क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है? मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्या के तार रियल स्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पहला, मुंबई पुलिस को वारदात की जगह के पास एक बैग और उसके अंदर पिस्टल मिली, जिसे शूटर्स ने वारदात के बाद फेंका था। दूसरा, यूपी के बहराइच से दो लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसमें एक का नाम हरीश और दूसरे का नाम अनुराग कश्यप है। पुणे में हरीश का कबाड़ की दुकान में ही शूटर्स धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम करते थे। मुंबई पुलिस को शक है कि इस मर्डर केस के तार स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA के प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की SRA को संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट को लेकर तनातनी चल रही थी। बाबा सिद्दीकी को एतराज था कि बिल्डरों की तरफ से कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के निवेशकों के हाई लेवल के कनेक्शन रहे हैं। हत्या में SRA प्रोजेक्ट का विवाद बड़ी वजह हो सकता है। बाबा सिद्दीकी के हथियारों के निशाने पर क्या अभिनेता सलमान खान भी थे? पुलिस के गिरफ्त में आए शूटर से पूछताछ में पता चला है कि शूटर्स ने सलमान खान के घर की भी रेकी की थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में पकड़े गए गुरमेल सिंह का ये उस वक्त का वीडियो है जब वो बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोब गोलीबारी के बाद भागा था, लेकिन पकड़ा गया। गुरमेल से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अभिनेता सलमान खान के घर की भी रेकी की गई थी। आरोपी गुरमेल सिंह ने ही पिछले महीने सलमान के घर की रेकी की थी। ऐसे खतरे के चलते सलमान की जिंदगी में कैसा बदलाव आया है, इसे सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने बताया। लाइफ का होता है जिसको थ्रेट है, जैसे सलमान भाई को थ्रेट है। आज की तारीख में तो आप देखते हैं कि वाई प्लस सिक्योरिटी भाई को थ्रेट भी है। तो अभी मुश्किल है बहुत काफी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी दोस्तों में से एक थे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर और सलमान खान के घर की रेकी, इन दोनों का क्या कोई कनेक्शन है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। ABP News आपको रखे आगे।